हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिपल सी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बालमुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, मींस प्रोटोकॉल के प्रकार। और पिछले कई महीनों से प्रोटोकॉल्स पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस वजह से इस क्लास में हम काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। और कई बार कई अलग अलग प्रोटोकॉल्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और किस लिए उनको यूज किया जाता है। ओके, तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारे थ्रू जो भी वीडियोज अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने एक वेबसाइट स्टार्ट की है www.gyanexp.com। यहाँ पे आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा जो लगभग ट्रिपल सी एग्जाम में जिस तरीके का एक इंटरफेस मिलता है एग्जाम देने के लिए, उस तरीके का लगभग मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस डिजाइन किया है। यहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और यहाँ पे मैं नए नए क्वेश्चंस अपलोड करता रहता हूँ, तो आप यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, इससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। ओके, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो होते क्या हैं या कितने टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो देखिए, प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके थ्रू सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मींस डेटा ट्रांसफर करने का एक रूल होता है जो सिस्टम फॉलो करते हैं, ये होता है हमारा प्रोटोकॉल। तो कई अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स को डिजाइन किया गया है क्योंकि अलग अलग तरीके के बहुत सारे काम होते हैं, कई अलग अलग तरीके से सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके लिए कई अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स हैं। तो यहाँ पे कई बार पूछा जाता है एग्जाम में सिर्फ कई सारे प्रोटोकॉल्स का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको काफी सारे प्रोटोकॉल्स का फुल फॉर्म एक साथ इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और इसको आप बाद में कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम फुल फॉर्म पूछे जाते हैं तो यहाँ से आपको फुल फॉर्म मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे काफी सारे प्रोटोकॉल्स हैं, मैं इस क्लास में टोटल 15 प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करूंगा, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले TCP, IP, UDP, SMTP, POP, IMAP, SNMP, SLIP, HTTP, FTP, MIME, UUCP और यहाँ पे X.25 एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में लगभग इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन रहता है, टेलनेट और PPP, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला है TCP प्रोटोकॉल। तो TCP प्रोटोकॉल काम करता है, TCP और IP दो प्रोटोकॉल्स मिलके एक साथ काम करते हैं, ये हमारे इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए TCP इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड लिखा गया है, मींस जब भी ये डेटा ट्रांसमिट करता है, तो हालांकि मैं इसको पहले भी किसी एक क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, मींस जो भी जब भी इसका कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा तो ये उसी पाथ के थ्रू पूरा का पूरा डेटा सेंड करेगा। मान लीजिए ये काफी सारे अलग अलग नोड है और इन सभी के पास कई सारे रास्ते हैं इन नोड्स पे आपस में कम्युनिकेट करने के, तो अगर यहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल या कोई भी डेटा ट्रांसमिट करना है और यहाँ पे हम यूज करते हैं TCP, उस केस में मान लीजिए ये हमारा नोड है 1 और ये नोड है 7, इस तरीके से हम मान लेते हैं यहाँ पे, और इसको डेटा यहाँ के पे भेजना है, तो ये अगर ये पाथ एक बार इस्टेब्लिश कर लेता है तो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे इस पाथ के थ्रू ही भेजेगा, ये अपना पाथ चेंज नहीं करेगा, मीन्स डेटा ट्रांसफर करने के लिए पाथ कोई दूसरा पाथ चेंज नहीं करेगा तब तक जब तक ये पूरा डेटा ट्रांसमिट नहीं कर लेता, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। और इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कई बार एग्जाम में, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे TCP डिवाइड्स मैसेज इनटू पैकेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा TCP प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, वो क्या करता है, जो हमारा मैसेज होता है या जो भी डेटा होता है उसको ये पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, विच आर सेंट एंड रिसेम्बल एट द डेस्टिनेशन, मीन्स जब ये डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचता है तो उनको वापस मैसेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो डेटा को भेजने से पहले ये क्या करता है, मैसेज को पैकेट्स में ब्रेक करता है और फिर उसको रीअसेंबल करता है, मींस जब डेस्टिनेशन पे पहुंचता है हमारा पैकेट तो उसको उसी ऑर्डर में अरेंज करके और एक मैसेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये बेसिकली काम होता है हमारा TCP प्रोटोकॉल का। अब हम बात करेंगे यहाँ पे IP प्रोटोकॉल का, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो IP इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। जो हमारा IP होता है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, जबकि TCP कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कनेक्शन लेस का मतलब है ये किसी भी पाथ से, जो भी
पॉसिबल पाथ्स होंगे, उनमें से किसी भी पाथ से किसी भी टाइम पे डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। जबकि कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है कि एक बार पाथ सेटअप होने के बाद पूरा का पूरा डेटा उसी पाथ के थ्रू भेजा जाता है, बीच में कभी भी पाथ चेंज नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। और कनेक्शन लेस में क्या होता है, कभी भी पाथ चेंज हो सकता है। कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस में एक छोटी सी प्रॉब्लम रहती है, जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है उसकी जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन लेस होता है वो जब भी उसको लगेगा कि इस रूट पे ट्रैफिक कम है तो वो हमेशा ट्रैफिक की वजह से अपना रूट चेंज करता रहता है, तो जो डेटा ट्रांसमिशन का रेट होता है वो काफ़ी हायर होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल के केसेस में। जबकि कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करें तो उसकी जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड होती है वो थोड़ी सी कम होती है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज ऑलवेज यूज टुगेदर विथ टीसीपी। तो यहाँ पे आईपी प्रोटोकॉल हमारा सिंगल प्रोटोकॉल यूज नहीं होता है, ये हमेशा टीसीपी के साथ में यूज होता है, क्योंकि टीसीपी क्या करता है, मैसेज को पैकेट्स में ब्रेक करता है, जबकि आईपी प्रोटोकॉल का काम होता है कि उन पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक प्रॉपर तरीके से पहुंचाना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आईपी एड्रेस ऑफ पैकेट्स, जो यहाँ पे जो टीसीपी हमारा जो पैकेट्स को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है, वहाँ पे आईपी एड्रेसेस को हेडर्स में ऐड करता है, और जो हमारा पैकेट होता है उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का आईपी एड्रेस ऐड किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ये पैकेट है, तो यहाँ पे हमारा होगा डेटा इस जगह पे, और यहाँ पे सेंडर और यहाँ पे रिसीवर का आईपी एड्रेस होगा। इस तरीके से एक फॉर्मेट होता है, कई अलग अलग प्रोटोकॉल्स के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, उसमें कई सारी और भी बिट्स ऐड की जाती हैं। तो एक मैं यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जो हमारा डेटा फ्रेम होता है या डेटा पैकेट होता है उसमें डेटा मिडल में होता है और यहाँ पे सोर्स एंड डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेसेस होते हैं, और ये भी मैनेज करता है हमारा आईपी प्रोटोकॉल। और यहाँ पे इनको रूट किस रूट के थ्रू भेजना है और किस तरीके से भेजना है, ये सारी चीजें भी मैनेज करता है हमारा आईपी प्रोटोकॉल, मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे रूट देम थ्रू डिफरेंट नोड्स एंड नेटवर्क अंटिल इट रीच इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। तो इनको ये फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का काम करता है, और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस यूज किया जाता है उसके बेसिस पे ये उस प्रॉपर रूट पे उन पैकेट्स को भेजता है, जिससे वो सोर्स टू डेस्टिनेशन इजिली और कम से कम टाइम में पहुँच सके। ओके, तो ये हो गया हमारा आईपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोटोकॉल की, यूडीपी, जो कि इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और ये भी टीसीपी के तरीके से काम करता है, और इसका जो काम करने का तरीका है वो टीसीपी से बिल्कुल अलग है। जैसा कि टीसीपी हमारा एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यूडीपी इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, और इसकी जो स्पीड होती है वो टीसीपी से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और ये अपना पाथ या रास्ता कभी भी बदल सकता है। अगर उसको लगता है यहाँ पे कुछ ये नोड्स हैं इस तरीके से और इन नोड्स के बीच में डेटा ट्रांसमिट होना है, तो अगर उसको लगता है कहीं पे किसी जगह पे ट्रैफिक ज़्यादा है, तो उस केस में क्या है, मान लीजिए ये डेटा इधर से भेज रहा था इस तरीके से यहाँ से, और अगर लगा उसको इस नोड पे ज़्यादा इसको ट्रैफिक मिल रहा है और डेटा ट्रांसमिट करने की स्पीड हमारी कम हो रही, तो उस केस में ये पाथ अपना चेंज करके इस पाथ के थ्रू भी डेटा भेज सकता है, या फिर ऐसे भी भेज सकता है, जैसे भी इसको सबसे ईजिएस्ट वे लगता है उस तरीके से ऑटोमेटिकली ये पाथ अपना चेंज करके डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन भेजने का काम करता है। और इसको हम यूज करते हैं ब्रॉडकास्टिंग में, जैसे कि आप यूट्यूब पे जब भी कोई वीडियो प्ले करते हैं तो वहाँ पे जो एक प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है हमारा यूडीपी, क्योंकि यहाँ पे जब बफरिंग होती है, और यूडीपी हम वहीं पे यूज करते हैं जहाँ पे अगर बीच में कहीं डेटा लॉस भी होता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इनकेस अगर आपका यूट्यूब की मेन सर्वर से आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे या टैबलेट पे डेटा आ रहा है और उस केस में बीच में कोई भी डेटा पैकेट मिस होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका वीडियो स्टॉप हो जाता है और बफरिंग होने लगती है, उस टाइम पे फिर दोबारा से वो पैकेट्स हमारे वापस आते हैं तो वहाँ से वीडियो चलना शुरू होता है। तो इससे क्या होता है कि जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड है वो ज़्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से हम इजिली स्ट्रीमिंग कर पाते हैं या वीडियोज देख पाते हैं ऑनलाइन। तो इस तरीके के कामों के लिए यूज किया जाता है यूडीपी। नेक्स्ट प्रोटोकॉल की बात करेंगे एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो हमारा मेल सिस्टम होता है उसमें तीन अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, एसएमटीपी, आईएमएपी एंड पीओपी3। तो सबसे पहला है एसएमटीपी। दिस प्रोटोकॉल यूज
इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल। तो यहाँ पे जो ईमेल सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है हमारा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, SMTP इज द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसमिटिंग ईमेल मैसेज। तो ये हमारा एप्लीकेशन लेयर पे काम करने वाला प्रोटोकॉल है और इसका काम होता है जो ईमेल मैसेज होते हैं उनको सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचाना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है SMTP ऑपरेट्स ऑन पोर्ट नंबर 25। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि SMTP किस पोर्ट नंबर को यूज करता है या किस TCP के पोर्ट नंबर को यूज करता है। तो यहाँ पे यूज करता है पोर्ट नंबर 25। ओके, तो ये हो गया हमारा SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है और ये पोर्ट नंबर 25 पे काम करता है और ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट देखिए POP, और यहाँ पे आपको POP3 भी कई जगह लिखा हुआ मिलेगा। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और यहाँ पे 3 लिखा है तो इसका मतलब होता है version 3। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखिए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 और यहाँ पे POP3 इस तरीके से लिखा गया इज अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो ये भी एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है यूज फॉर रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। तो हमारे जो ईमेल मैसेज होते हैं उनको रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है हमारा POP3। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है POP ट्रांसफर ईमेल मैसेज ओवर TCP पोर्ट नंबर 110 मींस 110 पोर्ट नंबर को ये यूज करता है। जैसा कि अगर हम SMTP की बात करें तो पोर्ट नंबर 25 यूज करता है और POP3 हमारा पोर्ट नंबर 110 यूज करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप अलग से कहीं नोट डाउन जरूर करिएगा। नेक्स्ट है POP3 इज यूज बाई ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन फॉर डाउनलोडिंग ईमेल फ्रॉम सर्वर। तो ये ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस। तो उसमें क्या होता है, हम अपना मेल कन्फिगर करते हैं और ये हमारा एक क्लाइंट ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन होता है और ये जो हमारा POP3 होता है वो ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन के लिए काम करता है और ये जो सर्वर होता है मेल सर्वर होता है वहां से मेल्स को डाउनलोड करके जो हमारा क्लाइंट एप्लीकेशन होता है या ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन होता है उस पर स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है POP3। तो ये बेसिकली यूज किया जाता है मेल्स को रिसीव करने के लिए और POP3 काम करता है जो हमारे ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट IMAP, ये इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है और कई बार इसका एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा गया, तो फुल फॉर्म जरूर आप कहीं पे नोट डाउन करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है IMAP इज एन अल्टरनेटिव ईमेल प्रोटोकॉल और इसको हम यूज करते हैं जो हमारा ईमेल जो इंटरनेट ईमेल सर्विस होता है उसमें मेल्स को रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है हमारा IMAP। IMAP वर्क इन द सेम वे एज POP। तो ये दोनों ही मेल रिसीव करने के लिए काम करते हैं, इट यूज फॉर रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, IMAP ट्रांसफर ईमेल मैसेज ओवर TCP प्रोटोकॉल 143 मींस 143 पोर्ट नंबर को ये यूज करता है। तो यहाँ पे अगर हम POP3 की बात करें तो 110 यूज करता है मींस 110 और SMTP 25 यूज करता है और जबकि हमारा जो IMAP है वो पोर्ट नंबर 143 मींस 143 पोर्ट नंबर को यूज करता है और हमारा POP3 IMAP ये दोनों मेल्स को रिसीव करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है SNMP और इसका कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा गया है, ज्यादा डिटेल इससे रिलेटेड तो एग्जाम में अभी तक नहीं पूछी गई है। जो हमारे पास क्वेश्चंस मिले या मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिली सिर्फ इसका कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, और इसका काम होता है बेसिकली नेटवर्क पे के ट्रैफिक को मैनेज करने का। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखिए, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इज अ TCP/IP प्रोटोकॉल फॉर मॉनिटरिंग नेटवर्क एंड नेटवर्क कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे नेटवर्क कंपोनेंट्स होते हैं कई सारे, जैसे कि स्विच है, राउटर है, ब्रिज है, हब है, इस तरीके के जो भी नेटवर्क कंपोनेंट्स होते हैं उनको मॉनिटर करता है और प्लस जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है उसको भी ये मॉनिटर करने के लिए ये प्रोटोकॉल काम करता है और प्लस ये काफ़ी सारा डेटा जो नेटवर्क की स्पीड से रिलेटेड होता है या नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है कि कहाँ पे हैवी ट्रैफिक चल रहा है या कहाँ पे किस तरीके का ब्रेक डाउन है, इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन जो हमारा नियरेस्ट नेटवर्क डिवाइस होता है उस पर स्टोर करता रहता है और वहाँ पे उस डिवाइस पे कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जो छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं वो उन सारी चीज़ इस तरीके की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और बाद में उस नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए या उसके नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करने के लिए उस डेटा को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
uses utility programs called agent to monitor behavior and traffic on the network. तो ये next point जो यही है, यहाँ पे कुछ utility programs होते हैं जो हमारे network components या network devices पे पहले से installed रहते हैं, और ये जो हमारा SNNP है ये उनको data provide करता है या information या network से related जो भी information होता है उसको ये provide करता है, और जिससे हम अपने नेटवर्क की बिहेवियर को या ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके का ट्रैफिक चल रहा है, कितनी कितना ट्रैफिक है और वहाँ पे किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है। ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए यहाँ पे यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर SNMP प्रोटोकॉल जो नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है उसको स्टोर करता रहता है। तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है SLIP सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, और यहाँ पे SLIP इज एन इनकैप्सुलेशन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल डिजाइन टू वर्क ओवर सीरियल पोर्ट एंड मॉडर्म कनेक्शंस। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा IP प्रोटोकॉल है वो हमारा एक लेटेस्ट वर्जन है SLIP का, ये कह सकते हैं। यहाँ पे SLIP एक पुराना वर्जन था जिसको अपग्रेड करके IP प्रोटोकॉल डेवलप किया गया है या उसके कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है आज की डेट में, और ये SLIP एक पुराना है। इट इज़ अ ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसका जो पुराना वर्जन है उसको हम बोलते हैं SLIP, और ये इन दोनों का काम लगभग सिमिलर काम है क्योंकि ये सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट को भेजने का काम करते हैं। और यहाँ पे इट वर्क लाइक PPP प्रोटोकॉल, तो PPP प्रोटोकॉल होता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, और इस प्रोटोकॉल का काम होता है दो सिस्टम्स के बीच में आपस में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, या अगर हम दो सिस्टम्स के बीच में डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, और ये कुछ इसी तरीके से SLIP भी काम करता है। ओके, तो नेक्स्ट HTTP, ये काफी पॉपुलर प्रोटोकॉल है, मैक्सिमम यूज होने वाला प्रोटोकॉल है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जहां पे हम हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो हमारा प्रोटोकॉल होता है HTTP, और इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। HTTP यूज टू ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स, तो अगर हमें हाइपर टेक्स्ट को आपस में ट्रांसमिट करना है कंप्यूटर्स के बीच में तो हम यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो होता है हमारा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, हाइपर टेक्स्ट इज कोडेड यूजिंग द लैंग्वेज कॉल्ड HTML, जो हमारे हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज होते हैं जिनको हम बोलते हैं वेब पेजेस, और इनको डेवलप किया जाता है HTML में, और जिसको भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है हमारा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो जो हमारा HTTP होता है वो पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। नेक्स्ट है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और ये इसका एक लेटेस्ट वर्जन है जो सिक्योर वर्जन है। यहाँ पे जो डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसमिट होता है ओवर द नेटवर्क। तो यहाँ पे कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया तो ये जरूर आप याद रखिएगा, कई बार ये पूछ लिया जाता है HTTPS में S का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए सिक्योर, और इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है HTTP इज द वेबसाइट यूजिंग एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स सच एज सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे HTTPS होगा, इस जगह पे गलती से मिस हुआ है S, तो ये हमारा वेबसाइट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। जब भी हम कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं या जितनी भी हमारी ऑथराइज वेबसाइट्स होती हैं उन सभी में जब आप ओपन करते हैं किसी वेबसाइट को तो वहाँ पे जो URL दिया रहता है तो वो स्टार्टिंग होता है HTTPS यस लगा होता है, और अगर वो नॉन सिक्योर वेबसाइट है तो वहां पे S लगा हुआ नहीं मिलेगा, सिंपल आपको HTTP लिखा हुआ मिलेगा। और अगर सिक्योर वेबसाइट है मींस वहां पे जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है तो उसमें आपको मिलेगा HTTPS। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है HTTPS ऑपरेट ऑन पोर्ट नंबर 443, और ये इंपॉर्टेंट है, HTTP हमारा सिर्फ पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है, जबकि हम HTTPS की बात करें तो ये 443 पोर्ट नंबर पे काम करता है। तो यहाँ पे दो डिफरेंस आपको मिलेंगे, एक तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा भेजता है और ये प्लेन फॉर्म में डेटा भेजता है, मींस यहाँ पे सिक्योरिटी की का इशू रहता है एक तरीके से मान लीजिए, और यहाँ पे जो HTTPS होता है वो सिक्योर होता है और ये डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजता है, और दोनों अलग अलग पोर्ट नंबर पे काम करते हैं। पोर्ट नंबर 80 पे HTTP काम करता है जबकि HTTPS हमारा पोर्ट नंबर 443 पे काम करता है। तो मे बी ये भी पूछा जा सकता है कि HTTPS किस पोर्ट नंबर पे काम करता है, तो ये 443। तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ पे जब
सिस्टम्स के बीच में या सिस्टम में आपस में फाइल ट्रांसमिट करनी होती है, तो वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है हमारा FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो फुल फॉर्म भी कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। FTP अलाउ यूजर टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफर करने के लिए FTP का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, दिस मेथड ऑफ फाइल ट्रांसफर इज फास्टर देन दैट यूजिंग HTTP। तो यहाँ पे एक मेन डिफरेंस होता है, अगर हम किसी फाइल को HTTP के थ्रू भेजते हैं तो उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू FTP। मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है हमारा, वो फाइल को या डेटा को बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में भेजता है या फास्टर होता है एज कम्पेयर टू HTTP। तो यहाँ पे इसी वजह से FTP को हमेशा फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पोर्ट नंबर 21 पे काम करता है। ओके, तो यहाँ पे हो गया FTP। कुछ और प्रोटोकॉल्स हैं देख लेते हैं, MIME, और मोस्टली इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया अभी तक, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका फुल फॉर्म दिया है, और इस प्रोटोकॉल का प्रयोग मल्टीमीडिया फाइल्स को ईमेल के साथ में सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो जब हम ईमेल के साथ में कोई मल्टीमीडिया फाइल सेंड करना चाहते हैं तो ये प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली काम करता है, और ये सिर्फ मल्टीमीडिया फाइल्स को ईमेल के साथ में या ईमेल अटैचमेंट को भेजने के लिए यूज किया जाता है। और इसका फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ओके, नेक्स्ट है UUCP, और इसका भी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैंने इससे पहले भी एक दो बार इसको डिस्कस किया है, यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल। तो अगर हमारे दो यूनिक्स सिस्टम है उसमें आपस में डेटा कॉपी करना है तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं UUCP। ओके, तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है X.25, और ये काफी इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे X.25 इज अ पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल, इसको कई अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पे पैकेट स्विचिंग की जगह पे सर्किट स्विचिंग लिख दिया जाता है, तो वहाँ पे ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस केस में ये होता है फॉल्स। तो यहाँ पे X.25 इज अ पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल, इट वर्क ऑन फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये कितनी लेयर्स पे काम करता है, ये OSI की कितनी लेयर्स पे काम करता है, तो ये 3 लेयर्स पे काम करता है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। और अगर ये भी पूछ लिया जाता है लेयर्स के नाम, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, तो इससे आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है टेलनेट। टेलनेट प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जब हम सिस्टम में रिमोटली लॉगिन करना चाहते हैं, मींस एक बंदा बैठा है किसी दूसरी सिटी में और हमारा एक दूसरा सिस्टम किसी दूसरी सिटी में है, और यहां से हमें उस सिस्टम को हैंडल करना है, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो होता है हमारा टेलनेट। और टेलनेट एक हमारा रिमोट लॉगिन के लिए या रिमोट एक्सेस के लिए प्रोटोकॉल होता है, जिसको हम रिमोट एक्सेस रिमोट लॉगिन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, टेलनेट प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल यूज टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, द प्रोसेस ऑफ दिस कनेक्शन इज कॉल्ड रिमोट लॉगिन। तो रिमोट लॉगिन क्या होता है कि दो अलग अलग या रिमोट लोकेशंस पे जो हमारे सिस्टम्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए, लॉगिन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है हमारा टेलनेट। नेक्स्ट पॉइंट है, टेलनेट इज यूज फॉर रिमोट एक्सेस। तो रिमोट एक्सेस का मतलब यही होता है, जैसे मेरे यहाँ पे लैपटॉप है और कोई दूसरा बंदा मेरे लैपटॉप को यूज करना चाहता है रिमोटली, मींस ओवर द नेटवर्क के थ्रू, तो वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो होगा टेलनेट। नेक्स्ट है, टेलनेट ऑपरेट्स ऑन पोर्ट नंबर 23। तो यहाँ पे मैं पोर्ट कई बार हर एक प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये पोर्ट नंबर 23 पे काम करता है। आप चाहें तो इसको भी अलग से कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, और कई बार इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जिसको शॉर्ट में PPP बोलते हैं, इज अ डेटा लिंक लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स या टू कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, और ये दो सिस्टम्स के बीच में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, दो सिस्टम्स के बीच में कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है हमारा PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो
तो ये आप लोगों के लिए मैंने एक वेबसाइट स्टार्ट की है www.gyanexp.com। यहाँ पे आप ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट देते रहिए और यहाँ पे आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और एक काफी अच्छा सा इंटरफेस मिलेगा, जो आपको ट्रिपल सी एग्जाम में जिस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है लगभग उसी तरीके का इंटरफेस मैंने डिजाइन किया है। तो इससे आपको काफी सारा बेनिफिट मिलेगा, एक तो रियल इन्वायरमेंट आपको मिलेगा और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप एक बार हमें वेबसाइट पे विजिट जरूर करिएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ में हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि हमारे थ्रू जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और ट्रिपल सी के बाद अगर आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स करना चाह रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको काफी कुछ नए टॉपिक देखने को मिलेंगे। और मैंने ओ लेवल के लिए कंप्लीट सिलेबस ट्रिपल सी के तरीके से स्टार्ट कर दिया है, तो आप चाहें तो ओ लेवल की तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे अपने वीडियोस के लिंक शेयर करता रहता हूँ, तो आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें मेल कर सकते हैं info@gmail.com, और हमारा फेसबुक पेज है ज्ञान एक्सपी और हमारा ट्विटर हैंडल है ज्ञान एक्सपी, आप चाहें तो यहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं हेल्प कर पाऊं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।